हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप घर पर सही होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका टॉपिक, वो है मूल फ्रैक्शन, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर से है। और ये मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन का लास्ट टॉपिक है। तो मूल फ्रैक्शन क्या होता है? मूल फ्रैक्शन में मान लीजिए ये सॉल्यूशन है आपके पास, यहाँ पर ये वाटर और इसी में डिजोल्व है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन मोल्स के टर्म में निकला, तो वो होता है मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या क्या है, तो इसी को देखते हैं हम। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काई से, ये ग्रीक वर्ड है काई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए हो सकता है। तो डिफाइन करना है हमें इसको। तो देखिए, मान लीजिए दो कंपोनेंट हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें मोल फ्रैक्शन टू कंपोनेंट का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको इस टाइप से हम अब डेफिनेशन कैसे देंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसको लिख लीजिए, आप नोट कीजिए, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप नोट कर सकते हैं इस डेफिनेशन को, और यहां ये दो कंपोनेंट्स के लिए शो किया गया। अब मान लीजिए इसमें दो से ज्यादा कंपोनेंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दो से ज्यादा जब कंपोनेंट होते हैं उसके लिए मान लीजिए आई कंपोनेंट है इसमें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स एन वन प्लस एन टू प्लस और ये एन आइथ आइथ कंपोनेंट का। आइथ कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं, तीन चार पांच जो भी कंपोनेंट। इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द, इस यहां समेशन का यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइथ कंपोनेंट। अब मान लीजिए टू कंपोनेंट है या थ्री कंपोनेंट है, उसको लिखना है हमें, तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थर्ड कंपोनेंट समेशन ऑफ एन आइथ।
इसके अलावा अगर मान लीजिए दो कंपोनेंट हैं तो उसमें आप मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट वो होगा वन। या जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें काई वन प्लस काई टू प्लस काई आइथ कंपोनेंट के लिए वो भी कितना होगा वन होगा। तो ये है मोल फ्रैक्शन। अगर आप मास परसेंटेज बनाना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन से तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट वन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट मल्टीप्लाई। इस टाइप से आप इसको कर सकते। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया स्टूडेंट्स। इस पर एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराते हैं इस पे आपको, इसको रफ कर देते हैं हम। क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला C2H6O2 इथाइलीन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इथाइलीन ग्लाइकोल ग्लाइकोल बाई मास। देखिए यहां पर इथाइलीन ग्लाइकोल के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल इज इक्वल टू मास 20 है इसका, इसका मोलर मास 62 ग्राम पर मोल, ये ग्राम में होता है, तो इसकी जो वैल्यू आती है 0.322 मोल आ गई। इसी के नंबर ऑफ मोल्स अगर हम वाटर के निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कैसे निकलेंगे, यहां 80 बचा, 20 जब इथाइलीन ग्लाइकोल है तो बचा क्या वाटर, तो वो कितना होगा 80 होगा 80 ग्राम और ये 18 ग्राम पर मोल, मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है, तो इसको ये 4.444 ये मोल में आता है, मोल यहां पर। अब इनकी वैल्यूज को आप रखिए जरा इसमें, यहां पर 0.322 डिवाइडेड बाई इसके मोल 0.322 प्लस 4.444 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.068 मोल फ्रैक्शन। अब वाटर का अगर आपको निकालना है, ये इसके मोल फ्रैक्शन हो गए वाटर के, अगर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 इथाइलीन ग्लाइकोल के हो गए, अगर आप वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो दोनों का सम कितना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू होता है वन। अगर इसकी वैल्यू आप रख देंगे तो वन में से उसको माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन, यहां ये इसको सही कर लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.068।
इस टाइप से इसमें से वन में से माइनस करके आप इसका आंसर खुद भी निकाल सकते हैं। ये आपके लिए है, इसको कीजिए, खुद भी ट्राई करना चाहिए थोड़ा बहुत। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हो सके तो मैं ही कुछ आपको इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। तो ओके स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।